हमसे हद के सिपाही हैं, अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। सौ का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। भारत का अभिमान बड़ा, न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, everybody, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आज हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के बारे में। आपने यूजुअली सुना होगा कि या खुद भी महसूस किया होगा कि जो भी बहुत बार आप बोलते हैं कि मेरे शरीर में ये बचपन में हुआ था तो ये दर्द अभी तक है, या आपने सुना है या महसूस किया है। एक्चुअली क्या होता है, बचपन में जो कमियां हमारे शरीर में रह जाती हैं वो अमूमन आजीवन हमारे साथ रहती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन में हम स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान दें। तो जो कमियाँ अगर हमारे बचपन में रह गई हैं, हमें उन कमियों को अपने बच्चों के जीवन में बिल्कुल रहने नहीं देना है। तो आपके घर में जितनी भी
महिलाएं हो, जो मम्मियां हो, माताएं हो, उनको आप प्लीज अभी इस वक्त यहाँ अपने पास बुला लीजिए ताकि वो इस सेशन को देख पाएं और इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएं कि बच्चों को हमें क्या खिलाना है ताकि वो स्वस्थ रह सकें। दोनों तरह का स्वास्थ्य हमें बच्चों को देना है, मानसिक स्वास्थ्य भी देना है और शारीरिक स्वास्थ्य भी देना है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी हम बात करेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे, और हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि आप जो है जो भी पॉइंट्स आपके काम के हैं उन्हें आप नोट करते जाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में। हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहता है और कोई भी इसमें अलग नहीं है। हम सभी ये चाहते हैं कि जैसा हमारा भविष्य है या जैसी ज़िंदगी हमने जी है, हमारे बच्चे निश्चित तौर पर उससे बेहतर जीवन जिएं, और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा हम उन्हें दे पाएं, क्योंकि हमें लगता है अच्छी शिक्षा से ही जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए हम जो है सबसे अच्छी स्कूल में उन्हें डालते हैं, सबसे अच्छी टीचर्स के पास हमें ट्यूशन उन्हें ट्यूशन के लिए भेजते हैं, मगर हम स्वास्थ्य को कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम स्वास्थ्य पर बात करना चाहते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। तो अच्छे स्कूल फीस के साथ साथ सेहत भी बेहद ज़रूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी वो स्कूल में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। हो ये गया है कि आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस वजह से पोषक तत्व जो है, जो भोजन से पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो बच्चों को बहुत कम मिल पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम व्यस्त होते हैं और अपनी व्यस्तता में हम बच्चों को जंक फूड की तरफ धकेल देते हैं, या हम उनको, हमारा जो प्यार जताने का तरीका है वो इस तरह का है कि हम अगर प्यार जताना चाहते हैं तो उन्हें हम जंक फूड खिलाते हैं या घर पर बनाते हैं उनके लिए। तो आप वो अगर कर रहे हैं ज़रूर करिए। उसके साथ साथ हमें स्वास्थ्यप्रद चीज़ें कौन कौन सी देनी हैं, किस तरह से देनी है, उसको हम समझते हैं। पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तब बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे इस बात की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो जब हम जंक फूड बच्चों को खिला रहे हैं तो साथ साथ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी खिलानी चाहिए जिनसे कि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो पाए, क्योंकि कमी से न सिर्फ बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं बल्कि शारीरिक तौर पर दुर्बल भी हो रहे हैं। पढ़ने व खेलकूद में भी ऐसे बच्चों को अरुचि होने लगती है, उनका कहीं मन नहीं लगता है, ना वो खेलना चाहते हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं। जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो उन्हें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भोजन में भी अरुचि हो जाती है, वो खाना भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, और स्वास्थ्यप्रद खाना तो वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी से शारीरिक विकास में कमी और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं। उनकी हाइट भी कम बढ़ पाती है और उनका वज़न भी कम बढ़ पाता है। मार्केट में जितने भी ज़्यादातर सप्लीमेंट्स जो उपलब्ध हैं, जो दूध में मिला करके या बच्चों के लिए जो सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं, उनमें पोषक तत्व कम होते हैं और चीनी, चॉकलेट, मिल्क पाउडर, आटा ऐसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ हम आपको एक बहुत बड़े ब्रांड का इंग्रेडिएंट्स का लेबल दिखा रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से पब्लिक स्पेस में उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स सबसे आखिर में लिखा गया है। इसका मतलब विटामिन्स और मिनरल्स सबसे कम मात्रा में डाले गए हैं, और यहाँ पर बोटैनिकल्स का कहीं जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों को जिन विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है वो इस पर्टिकुलर हेल्थ सप्लीमेंट में कम डाले गए हैं। इसी तरह से एक और हेल्थ सप्लीमेंट का इंग्रेडिएंट का लेबल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें पहले वाले से थोड़े ज़्यादा डाले गए हैं, इसमें आप कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम भी देख सकते हैं, मगर फिर भी मिनरल्स और विटामिन्स बिल्कुल आखिर में लिखे गए हैं। इसका मतलब वो थोड़ी कम मात्रा में ही डाले गए हैं। इसी के साथ ये एक और
प्रसिद्ध ब्रांड का इंग्रेडिएंट का लेबल है। इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल आखिर में लिखा गया है विटामिन्स और उसके बाद में लिखा गया है सॉल्ट। तो इसका मतलब मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स या बोटानिकल्स तो कहीं डाले नहीं गए हैं, सिर्फ विटामिन्स डाले गए हैं, वो भी सबसे कम मात्रा में डाले गए हैं, इसलिए आखिर में लिखा गया है। ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व या बोटानिकल्स जैसे पोषक तत्व सप्लीमेंट के साथ साथ आपको इसको घर पर भी फ्रूट्स और सब्जियों के ज़रिए आपको अपने बच्चों को देते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है, उनकी बढ़ती उम्र है इसलिए उन्हें ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से बच्चों के विकास में अपरिवर्तनीय बाधाएं आ सकती हैं। ये मेरे ख्याल से इस प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर ये आपने समझ लिया तो इसके बाद आप कभी भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कि ना तो किसी तरह का समझौता करेंगे और ना किसी तरह की लापरवाही करेंगे। बचपन में जो भी चीज़ें पैदा होने से पहले और उसके बाद में बचपन में करीब 10 साल 12 साल की उम्र तक जो भी कमियां बच्चों के स्वास्थ्य में रह जाती हैं उन्हें वापस पलटना या उन्हें रिवर्स कर देना मुमकिन नहीं हो पाता है, ज़्यादातर तौर पर मुमकिन नहीं हो पाता है। जैसा कि हमने परसों के सेशन में समझा था, अगर बच्चे न्यूट्रीचार्ज बच्चों को अगर DHA नहीं मिलेगा और गर्भ में अगर उनके ब्रेन का विकास ठीक से नहीं होगा और आँखों का विकास अगर ठीक से नहीं होगा तो आप उनके पैदा होने के बाद कितना भी उन्हें DHA खिला दीजिए उनके ब्रेन का वो विकास नहीं हो पाएगा जो अगर गर्भ में DHA मिलता तब हो पाता, उतना विकास नहीं हो पाएगा। तो बच्चों के शरीर में जो है वो अपरिवर्तनीय बदलाव आते हैं या जो स्वास्थ्य अस्वस्थ अगर रह जाते हैं तो वो अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम बचपन में उनके खाने पीने का, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का दोनों का पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि आगे बढ़कर जवानी में और आगे की उम्र में वो कभी ये ना कह सकें कि बचपन में ऐसा हो गया था इसलिए दर्द अभी भी मेरे साथ है। वो ये कह सकें बचपन में मुझे बहुत स्वस्थ खाना खिलाया गया इसलिए मैं आज भी स्वस्थ हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं और बचपन से हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना खिलाया गया, उसकी वजह से मैंने ये महसूस किया कि मैं यूजुअली जितना लोग फिजिकल स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं मैं उससे थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर पाती हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट पर हमें पाला गया था। तो इसलिए आज से आप ये फैसला करें कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पोषण के साथ, मानसिक और शारीरिक दोनों पोषण के साथ पालेंगे। जब भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है तो बच्चों की लंबाई जो है वो ठहर सकती है, DHA कम मिलता है तो दिमाग को पोषण कम मिलता है तो बच्चों के दिमाग का जो है वो विकास कम हो सकता है, कई बच्चों की ऊंचाई जो है उम्र के हिसाब से काफ़ी कम होती है। ये कुछ आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पोषण की कमी से प्रभावित हर 3 बच्चों में से एक बच्चा भारत में रहता है, क्योंकि हम पोषण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे हाथ में होता है, जो हमें ठीक लगता है, हम उसे अपने बच्चे को इतना ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं कि हमें लगता है बस उसका पेट भरना ज़रूरी है। भारत में आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले लगभग आधे बच्चे लंबे समय से कुपोषित रहते हैं, यानी बचपन से उनको पोषण पूरा नहीं मिला होता है। ये 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पोषण कम मिला होता है, उनकी ऊंचाई उम्र के हिसाब से काफ़ी कम होती है, उनका विकास अधूरा होता है। एक एवरेज इंडियन की हाइट जो है वो एक एवरेज अमेरिकन या एक एवरेज यूरोपियन से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बचपन में पोषण भरा खाना खिलाने का थोड़ा सा रिवाज कम है अभी तक। कई बच्चे अपनी ऊंचाई और उम्र के हिसाब से काफ़ी दुर्बल होते हैं, उनकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा दुर्बल होते हैं, और यही दुर्बलता बचपन से लेकर के उसके बाद आगे के पूरे जीवन में कायम रहती है बहुत बार। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, हर 5 बच्चों में से एक बच्चा दुर्बल होता है, यानी कि उसका शारीरिक विकास और शारीरिक मसल्स का विकास उस तरह से नहीं हो पाता है जितना 5 वर्ष की उम्र तक होना चाहिए।
भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले लगभग 43% बच्चों का वजन उनकी उम्र के अनुपात में असामान्यतः कम होता है। तो हाइट भी कम है, वजन भी कम है, मसल मास भी कम होता है। ये इसी वजह से है क्योंकि पोषण कम दिया जा रहा है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% बच्चों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के आधे बच्चे इन समस्याओं से पीड़ित हैं। प्रोटीन जो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के क्या फ़ायदे हैं? बच्चों के विकास में मदद करता है, शारीरिक अंगों का रखरखाव करने में मदद करता है। जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, जब हमने PVMF पर बात की, तब हमने ये बात की थी कि प्रोटीन 3 तरह से काम करता है। आपकी मसल्स को बढ़ाता है और आपकी मसल्स का रखरखाव करता है, और साथ ही में आपकी मसल्स का रिपेयर भी करता है, जो डैमेज हो रही है मसल्स उनका रिपेयर भी करता है और मेंटेन करता है। तो 3 काम करता है। बचपन में मसल्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और बचपन में मसल्स ग्रो करती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन सही मात्रा में, उचित मात्रा में बच्चों के शरीर में जाए, ताकि न सिर्फ मसल्स का रखरखाव हो पाए बल्कि मसल्स का विकास हो पाए और रखरखाव भी हो पाए, रिपेयर भी हो पाए। बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं, शारीरिक उनका श्रम बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वक्त जो मसल्स का डैमेज होता है उसकी भी इंस्टेंट रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मांसपेशियां बनाने में प्रोटीन उनकी उम्र में सहायक होता है, इसलिए उन्हें सही प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन और सही मात्रा में प्रोटीन और रेगुलर प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी से बच्चे जो हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, यानी उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो अगर बच्चों को बीमारी से बचाना है तो उन्हें अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन देना ज़रूरी है। लगभग 50% स्कूल जाने वाले बच्चे नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते हैं। एक तो सुबह जल्दी स्कूल भागने की तैयारी रहती है और उस वक्त उन्हें कुछ भी खिला पाना बहुत मुश्किल होता है, तो 50% तक बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो अगर नाश्ता ना किया जाए तो 1 या 2 मिनट में फटाफट पी लिया जाए और वो नाश्ते से भी ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद हो, ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चों के शरीर को प्रदान कर सके। रात भर की नींद के बाद जब उनके बढ़ते शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाश्ते को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेकफास्ट। तो रात भर जो आपने फास्ट किया है, आपने कुछ नहीं खाया है, उसको जब सुबह हमें तोड़ना है उस फास्ट को, तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि उनके शरीर में जो जाए वो ऐसी चीज़ हो जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, सो दैट वो उनकी बॉडी को के विकास में मदद कर सके। तो जब नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या होता है, उनके शारीरिक विकास में, उनके उत्साह में कमी आती है, उनके सीखने की क्षमता में कमी आती है, और ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो उम्र ऐसी है जब उन्हें बहुत कुछ सीखना है, तो सीखने की क्षमता में कमी उस वक्त नहीं आनी चाहिए। याददाश्त और शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कुशलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है, यानी मेमोरी भी वीक होती है और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कुशलता पर भी गलत असर पड़ता है। बच्चों का बिहेवियर थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगता है अगर भूख लगी है और उन्हें पूरी तरह से अच्छा पोषक तत्वों वाला खाना नहीं मिल पाया है, तो उनका चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। और जब ये लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता है तो उनका चिड़चिड़ापन जो है वो ऑलमोस्ट परमानेंट सा होने लगता है। बच्चे जो है, बहुत से बच्चे भोजन खाने में आनाकानी करते रहते हैं। बचपन में, जब बहुत बचपन होता है 2 साल से कम उम्र में, तब तक तो आप बच्चों की आदतों को ढाल सकते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत आनाकानी करने लगते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो, स्वास्थ्यप्रद हो और टेस्टी भी हो, जिससे बच्चे आराम से खा सकें या पी सकें। ये देखिए, 81% भारतीय माताएँ, 81% भारतीय माताएँ अपने बच्चों को सब प्रकार के भोजन लेने में आनाकानी करने वाले
पिकी ईटर्स मानती हैं, यानी सिर्फ 19% माताओं को, मम्मियों को ये लगता है कि हमारे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं, 81% मम्मियों को ये लगता है कि हमारे बच्चे आनाकानी करते हैं। तो अगर बच्चे आनाकानी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पोषण उनके शरीर में जा नहीं रहा है। अगर बच्चा खा ही नहीं रहा है ढंग से तो पोषण जा नहीं रहा है। दूसरा, मम्मियाँ कुछ ज़्यादा, हमारा दिल पिघल जाता है अगर बच्चे ने नहीं खाया और बच्चा कुछ और ऐसी चीज़ डिमांड कर रहा है जो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद नहीं है, तो हम वो बना करके दे देते हैं ताकि बच्चा कम से कम उसका पेट तो भरे, वो कुछ खाए तो सही। हमें इसमें एक बैलेंस को मेंटेन करना है। आप लाड़ प्यार ज़रूर कीजिए, उन्हें ऐसी चीज़ें ज़रूर बना करके दीजिए, मगर साथ साथ में उन्हें स्वास्थ्यप्रद चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने की भी हमें आदत डलवानी पड़ेगी। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। कई माताएं ये महसूस करती हैं कि उनके बच्चों में ऊर्जा का अभाव है और वे जल्दी थक जाते हैं। स्पेशली अभी जब हम घर में, हमने लॉकडाउन का वक्त बिताया है, आपने अपने बच्चों में नोटिस किया होगा कि जब वो बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, और साथ में हो सकता है खाने पीने का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान पोषण के हिसाब से नहीं रखा हो, क्योंकि हमारी आदत नहीं है अभी ज़्यादा पोषण पर ध्यान रखने की, तो इस वजह से उनके शरीर में पोषण की कमी और एक्सरसाइज की कमी, दोनों कमियों से ऊर्जा का अभाव रहता है और वे जल्दी थक जाते हैं। अब मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो लाभ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पोषक तत्वों की लिस्ट आपको दिखाई है। DHA, कोलीन, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, आयरन, फॉस्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, मैंगनीज, विटामिन सी और आयोडीन। ये ऐसे तत्व हैं जो मस्तिष्क के विकास में काम आते हैं। आप चाहें तो थोड़े बहुत नोट करके रखें, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आप ये बता सकते हैं। इनमें से कुछ के नाम तो बहुत आसान हैं समझ याद रखने में, जैसे आयरन हम अक्सर यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस नाम हम अक्सर यूज़ करते हैं, DHA तो हमारा प्रोडक्ट ही है जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम ये DHA बोल सकते हैं। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी का आप बोल सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये कुछ चीज़ें आप नोट करें और याद रखें, ताकि आप किसी से बात करें तो आप एक नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ बात कर पाएं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये पोषक तत्व चाहिए, आयरन, L-lysine, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन ई और प्रोबायोटिक्स। इसमें से प्रोबायोटिक्स एक ऐसा नाम है जो आप समझते हैं, आपने बहुत बार सुना है ये नाम, न्यूट्रोचार्ज किड्स के संबंध में ही सुना है, और ये थोड़ा सा अलग नाम है, आप इसको याद रखें ताकि आप लोगों से जब बात करें तो उनसे पूछ सकें कि क्या बच्चों को प्रोबायोटिक्स दिया जाता है, क्योंकि ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अब शारीरिक विकास के लिए ये बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे पोषक तत्व जो मदद करते हैं। पहला है प्रोटीन, फिर L-lysine, मैग्नीशियम, क्रोमियम, पोटेशियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस, मैंगनीज और कैल्शियम। हमने जैसे कि बात की थी व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उस सेशन में, कि सप्लीमेंट्स को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक दूसरे के बिना बहुत बार वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, या ऐसा कहूँ कि सप्लीमेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए। इसलिए इन सारे पोषक तत्वों का साथ होना, किसी भी सप्लीमेंट में साथ होना ज़रूरी है ताकि वो स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। प्री और प्रोबायोटिक्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, बहुत इम्पॉर्टेंट खोज है। ये वो पाचक एंजाइम्स और विटामिन्स उत्पन्न करते हैं जो आप, जो बच्चे की गट हेल्थ को, उसके डाइजेशन को, उसकी पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बनाता है। यूजुअली बच्चे बीमार पड़ते हैं पेट के कारण, पेट में अगर गड़बड़ है, जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है, या पेट में लूज मोशंस हो रहे हैं, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इनफैक्ट बड़ों की भी बहुत सारी समस्याएं पेट से शुरू होती है, तो बच्चों के लिए प्री और प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है, जो उनकी गट हेल्थ को, उनके डाइजेशन को सही रखते हैं ताकि वो कम बीमार पड़ें।
पोषक तत्वों से भरपूर सप्लीमेंट्स जो हैं वो शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को बढ़ाने और रोज रोज के संक्रमण की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स इसीलिए बनाया गया क्योंकि बच्चे आसानी से न तो टैबलेट्स खा सकते हैं और न बच्चे आसानी से बहुत ज़्यादा पोषण वाला खाना खाते हैं और न ही हम उतने पोषण वाला खाना उन्हें दे रहे हैं जितना उन्हें ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेटेड रूप में उन्हें पोषण किसी ऐसी चीज़ से मिले जिससे कि उनके शरीर के पोषण की कमी और दिमाग के पोषण की कमी जो है वो लगातार दूर होती रहे या लगातार भरपाई होती रहे उसकी। ऐसा ही एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज किड्स, इंडिया का पहला ऐसा सप्लीमेंट है और अभी तक भी एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें 49 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। किसी भी और सप्लीमेंट में आपको 49 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। 10 बोटैनिकल्स डाले गए हैं, किसी भी और प्रोडक्ट में बोटैनिकल्स नहीं डाले गए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ प्रख्यात ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट के लेबल्स दिखाए थे और हमने देखा किसी में भी बोटैनिकल्स नहीं डाले गए हैं। आगे हम इस सेशन में इन बोटैनिकल्स का फ़ायदा समझेंगे कि अगर ये डाले गए हैं तो ये क्या सोच करके न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले गए हैं। साथ ही में इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन डाला गया है, इसमें 29 विटामिन और मिनरल्स डाले गए हैं, 3 प्री और प्रोबायोटिक डाले गए हैं और 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, पहला ऐसा ड्रिंक है जिसमें 49 न्यूट्रिएंट्स हैं और 10 बोटैनिकल्स हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन डाले गए हैं, आइए समझते हैं क्या करते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स में जो सोया प्रोटीन डाला गया है वो शारीरिक विकास में मदद करता है, बच्चों के शरीर को बढ़ने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स में जो दूसरा प्रोटीन डाला गया है वो है मिल्क प्रोटीन, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाला गया है तीसरा वे प्रोटीन, जो बच्चों की मसल मास को बढ़ाता है। किसी भी और सप्लीमेंट में आपको ये 3 प्रोटीन का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। एक बार वापस मैं इसको चाहूँगी कि आप रिवाइज करें। न्यूट्रीचार्ज किड्स में 3 प्रकार के प्रोटीन डाले गए हैं, आप लिख भी लीजिए इसको। सोया प्रोटीन डाला गया है, मिल्क प्रोटीन डाला गया और वे प्रोटीन डाला गया है। सोया प्रोटीन जो है वो शारीरिक विकास में मदद करता है, मिल्क प्रोटीन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और वे प्रोटीन जो है वो मसल मास को बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज किड्स में 3 प्री और प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं। एक प्रीबायोटिक डाला गया है जिसका नाम है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड और दूसरा प्रोबायोटिक, 2 प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। ये जो हैं बोटैनिकल्स, इनके नाम याद रखना मुश्किल है, आप ना रख पाएं कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना याद रखें 3 प्री और प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं जो बच्चों की गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो बच्चों के पाचन की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाते हैं, बच्चों की गट सिस्टम में जो है वो कुछ अच्छे बैक्टीरिया पैदा करते हैं जिससे उनकी पाचन शक्ति बेहतर होती है। सो आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और पाचन को ठीक करते हैं। ये काम करते हैं प्री और प्रोबायोटिक्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स में 29 विटामिंस और मिनरल्स डाले गए हैं जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उचित पाचन व मेटाबॉलिज्म को बनाए रखते हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं और शारीरिक विकास में मदद करते हैं। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज किड्स में जैसा मैंने आपको बताया 10 बोटैनिकल्स डाले गए हैं। आइए, ये हैं उन बोटैनिकल्स के नाम, हम एक एक करके समझते हैं कि बोटैनिकल्स बच्चों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। बोटैनिकल्स पे स्पेशली हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी और हेल्थ ड्रिंक में आपको बोटैनिकल्स मिलेंगे ही नहीं। फिलेंथस नेरुली, ये पहला बोटैनिकल है जो भूख बढ़ाने में सहायक है और ये सारे जो भी बोटैनिकल्स डाले गए हैं ये रिसर्च के बाद डाले गए हैं, यहाँ पर ये रिसर्च अवेलेबल है जो बता रहा है कि इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट, बच्चों की भूख बढ़ाने में ये मदद करता है। इसी तरह से ग्लिसराइजा ग्लाबरा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, ये है रिसर्च जिसमें लिखा गया है कि ये इट लीड्स टू एनहांस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटिस विनिफेरा ठंड व खांसी से राहत दिलाने में सहायक है।
यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रिसर्च है इसके हिसाब से ये बताया गया है दैट इट रिलीजेज द म्यूकस फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये म्यूकस को कफ को बाहर निकालता है और ठंड व खांसी से राहत दिलाने में सहायक है. टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया ये बच्चों की आईक्यू में सुधार लाने में मदद करता है. फिर से ये देखिए यहाँ पर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग कॉग्निशन कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी. तो ये जो है इसलिए डाला गया ताकि बच्चों की मेमोरी का विकास हो, बच्चों की बुद्धि आईक्यू में सुधार आए. कैरम रॉक्सबर्गियानम ये शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. ये देखिए यहाँ रिसर्च में लिखा गया है इट इन्हांसेस द इम्यून सिस्टम टू वार्ड ऑफ कोल्ड्स एंड फ्लू एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस. तो ये खांसी जुकाम बुखार जैसे वायरल इन्फेक्शंस को दूर भगाने में मदद करता है. जिंजिबर ऑफिशनलिस ये जो है वो फ्लू और सर्दी को ठीक करने में सहायक है. ये फिर से एक रिसर्च में आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आयुर्वेदा में इसको बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, बहुत सारी इलनेसेस को हटाने में, बहुत सारी बीमारियों के इलाज में, जैसे इनडाइजेशन यानी अपच, नौजिया, चक्कर आना, उल्टी होना, कॉफ, जुकाम, बुखार, ऐसी चीज़ों के लिए इसको, ऐसी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है और इसीलिए ये न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी डाला गया है. ऑसिमम सैंक्टम नाम से आपको शायद समझ आया होगा, ये नाम सुना सुना सा है, न्यूट्रीचार्ज S5 में डला हुआ है, तुलसी है. तो ये श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने में लाभकारी है, ये इस पर रिसर्च है. इट इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर कफ, ये बहुत सारे काम करती है. और इससे पहले भी जो बोटानिकल्स आपको दिखाए गए सब बहुत सारे काम करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के संबंध में वो क्यों लाभकारी हैं और किस लिए, किस लाभ के कारण ये न्यूट्रीचार्ज किड्स में डाले गए हैं. चिली पेपर का सत्व बंद नाक को खोलने में बहुत मददगार है, ये इस पर रिसर्च है. ओरिगैनो का सत्व छाती में जो संक्रमण या जो बीमारी, जो इन्फेक्शन हो जाता है और खांसी से बचाव करने में बहुत मददगार है, ये इस पर रिसर्च की गई है. आप देखेंगे बहुत पुराने ज़माने से इसका यूज़ जो है वो खांसी और छाती के संक्रमण से बचाव करने के लिए, जिस जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सांस लेने से संबंधित समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स पुराने ज़माने से इसको काम में लेते रहे हैं. सिनेमन का सत्व हानिकारक फ्री रेडिकल से होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाव में मददगार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है सिनेमन, और किसी भी और न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कुछ नहीं डाला गया है, हमने डाला है ताकि बच्चों को भी, क्योंकि वो पूरा दिन किसी न किसी तरह के पोल्यूशन या जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, तो उनसे उनका भी एक्सपोजर होता रहता है. इसलिए ज़रूरी है कि उनके शरीर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जाते रहें जो रोज़ाना उनकी ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करने में मदद कर पाएँ. ये इस पर एक रिसर्च है सिनेमन पर. तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के ओवरऑल लाभ क्या हैं, आपने समझा. न्यूट्रीचार्ज किड्स में प्रोटीन डाला गया है, 3 तरह के प्रोटीन डाले गए हैं. न्यूट्रीचार्ज किड्स में 29 विटामिंस और मिनरल्स डाले गए हैं. न्यूट्रीचार्ज किड्स में 10 बोटानिकल्स डाले गए हैं. तो इन सब का मिलजुल कर न्यूट्रीचार्ज किड्स का लाभ क्या होने वाला है, ये हमने करवाया क्लिनिकल रिसर्च और उसमें ये लाभ हमें बताए गए, हमें पता चले उस रिसर्च में. जो रिसर्च हुआ था, क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, डबल ब्लाइंड स्टडी था, मतलब बच्चों को क्या दिया जा रहा है ये ना बच्चों को पता था, ना बच्चों के पेरेंट्स को पता था, और ना जो लोग दे रहे थे उनको पता था कि क्या दिया जा रहा है. तो कुछ बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स दिया गया, कुछ बच्चों को ऐसा कोई पाउडर दिया गया जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, जिसको प्लसीबो बोलते हैं, जिसका ना कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है. तो ऐसा दिया गया ताकि कंपेयर करके देख पाएँ कि न्यूट्रीचार्ज किड्स लेने वाले बच्चों में क्या रिजल्ट आया. तो ये पढ़कर मैं आपको बताती हूँ क्या रिजल्ट रहा. न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर इज एबल टू इफेक्टिवली इंक्रीज द वेट of the children in the age group of 5 to 12 years. तो मतलब 5 से 12 साल के बीच में बच्चों का वजन बढ़ा, न्यूट्रीचार्ज किड्स लेने वाले बच्चों का वजन बढ़ा. इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट हाइट एंड BMI ऑफ द चिल्ड्रन वॉज इंक्रीज, तो जो उनकी हाइट है और जो BMI है वो भी बढ़ा.
The overall performance of the nutritional supplement in improving the development skills of the children is effective in terms of verbal comprehension. जो उनकी बात करने की क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दी. साथ में ये लिखा है there were no adverse drug reactions has been reported in the treatment group of with NutriCharge kids powder and placebo. इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. क्लिनिकल ट्रायल जो होता है और जो क्लिनिकली प्रूवन सर्टिफिकेट मिलता है उसके दो मतलब होते हैं. पहला ये कि जो प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्ट पर क्लिनिकल रिसर्च हुआ है वो पूरी तरह से इफेक्टिव है. और अभी मैंने आपको बताया कि उसका क्या इफेक्ट रहा, वजन बढ़ा, हाइट बढ़ी और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो है बच्चों का ओवरऑल विकास हुआ और उनकी बात करने की क्षमता या बात को समझने की क्षमता बढ़ी. तो ये हुआ इसका असर. साथ साथ यहाँ लिखा है कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, यानी इसका कोई नुकसान बच्चों के शरीर में नहीं हुआ. तो ये पूरी तरह से सेफ टू यूज़ और पूरी तरह से इफेक्टिव है. ये मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के क्लिनिकली प्रूवन होने का. तो ये जो क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स आपको बताए गए वो यहाँ पर हमने हिंदी में लिखकर आपको बताए हैं कि बच्चों के वजन, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, बीएमआई को बढ़ाने के साथ साथ विकासात्मक कौशल यानी शाब्दिक समझ बूझ में सुधार लाने के लिए ये असर हमें NutriCharge Kids के क्लिनिकली प्रूवन क्लिनिकल ट्रायल में दिखाई दिया. तो ये जो तीन तरह के प्रोटीन है वो बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करते हैं, मसल्स और शारीरिक ताकत को बढ़ाने में. इसी तरह से जो प्रीबायोटिक्स हैं और विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. जो प्रीबायोटिक्स और विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायता पहुंचाते हैं. जो प्री और प्रोबायोटिक्स, विटामिन्स, मिनरल्स वो एनर्जी को भी बढ़ाते हैं और बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, उनमें ऊर्जा को भर कर रखते हैं. जो बोटानिकल्स हैं वो बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, सर्दी, खांसी और रोज़ाना की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं उनसे बचाने में बोटानिकल्स मदद करते हैं. अब NutriCharge Kids कोको, इसमें डाला गया है रियल कोको पाउडर. ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, 29 विटामिन्स और मिनरल्स, 10 बोटानिकल्स, 3 प्रकार के प्रोटीन, ये सब बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं. और उसके बाद में यूजुअली कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ फ्लेवर डाल देती हैं ताकि बच्चे उस सप्लीमेंट को आराम से पी सकें. हमारे पास भी ऑप्शन था, हम फ्लेवर डाल सकते थे, मगर क्योंकि NutriCharge कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है और NutriCharge हर चीज़ में ये सोचता है कि जो दिया जाए उससे फ़ायदा कैसे पहुँचे, तो इसमें डाला गया रियल कोको पाउडर, जिससे एक पंथ दो काज, फ्लेवर भी मिल गया बहुत अच्छा और टेस्ट भी मिल गया और उसके फ़ायदे भी बच्चों को मिलते हैं. क्या फ़ायदे हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये जो है इन्ग्रीडियंट वो FSSAI द्वारा अप्रूव किया हुआ इन्ग्रीडियंट है. इसी तरह से NutriCharge Kids मैंगो में इसको हम मैंगो के सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट से फ्लेवर डाल सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया है. इसमें रियल एल्फेंजो मैंगो पाउडर डाला गया है जिससे बच्चों की आंखें स्वस्थ रहती हैं, दृष्टि में सुधार होता है, उनकी मेमोरी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है. बार बार आप सुन रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, बच्चों के लिए इम्यूनिटी बढ़ना या इम्यूनिटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर कम बीमार पड़ेगा तो बच्चा बढ़ेगा बेहतर. जब बच्चा बीमार पड़ता है तो दो नुकसान होते हैं, एक तो वो जो बीमार हो रहा है तो उसके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरा वो जितने दिन वो बीमार रहा उतने दिनों में जो उसका शारीरिक विकास हो सकता था वो भी नहीं हो पाया. तो ये डबल मार पड़ती है जब बच्चा बीमार होता है. तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे बीमार ना पड़ें, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, जुकाम, खांसी, बुखार तो उनको बिल्कुल छू ही ना पाए. उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छा पोषण दें, आप उन्हें रोज़ NutriCharge Kids दें.
बच्चों की शरीर की बढ़ती जरूरत को पूरा करता है, 100% शाकाहारी प्रोडक्ट है, उपयोग के लिए सुरक्षित है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, क्लिनिकली प्रूवन रिसर्च के हिसाब से उपयोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये दो स्वादों में आता है, एक आम के स्वाद में, एक चॉकलेट के स्वाद में। इसको आप स्वाद ही बोलिए, इनको आप फ्लेवर बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि ये फ्लेवर है ही नहीं, ये स्वाद है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, रियल कोको पाउडर डाला गया है, रियल मैंगो का पाउडर डाला गया है। इसका मतलब ये है कि ये ताकि उनका फायदा भी पहुंच सके, इसका मतलब ये है कि ये स्वाद में आते हैं। ये न्यूट्रीचार्ज किड्स का हम आपको एक लेबल दिखा रहे हैं कि कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी ये आपको देता है, बच्चों को देता है। अब किसे लेना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सब यूजुअली पूछते हैं। आप नोट कर लें, 2 से 13 वर्ष के सभी बच्चों को ये लेना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ रही है, अगर आप 2 साल पर एक स्कूप से शुरू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ रही है, आपको उसको 2 स्कूप पर आ जाना चाहिए। 2-3 साल के बाद आप करीब 2 स्कूप रोज़ाना देना शुरू करें, 2 साल से भी दे सकें तो बेहतर है। और 13 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते आप इसे 3 स्कूप कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बढ़ता है तो उसकी शारीरिक जरूरतें भी बढ़ती हैं। बनाना कैसे है, अब तक हम आपको बताते रहे हैं कि आपको दूध में न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो घोल लेना है, थोड़ी चीनी मिला देनी है। मगर बच्चों को बहुत ज़रूरी, और बड़ों का भी जब मन होता है कि एक ही चीज़ नहीं मिले, हमें वैरायटी मिले, और क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चे खुश होकर के पी पाएँ, मांग करके पिए, मन से पिए, क्योंकि जो मन से खाया या पिया जाता है वो शरीर को ज़्यादा फायदा करता है। तो आपको इस तरीके से बना करके देना है कि बच्चे बहुत मन से, बहुत खुश होकर के पिए। न्यूट्रीचार्ज किड्स को डांट करके पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसको टेस्टी बनाना है, उसको टेस्टी बनाने के लिए आप 1 ग्लास दूध लें। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, या तो आप रूम टेम्परेचर पे लें या आप ठंडा लें। उसमें आप कोई भी गूदे वाला फल, पल्पी फ्रूट, जैसे केला है, एप्पल है, आम है, ये सब गूदे वाले फल हैं, कोई भी एक फल आप उसमें मिलाएं। साथ में आप चाहें तो थोड़े से सूखे मेवे डाल सकते हैं, 1 चम्मच चीनी अगर ज़रूरत हो तो। अगर आप सूखे मेवे डाल रहे हैं तो आप अंजीर या किशमिश या ऐसी कोई चीज़ डालेंगे तो हो सकता है चीनी की ज़रूरत ना हो। अगर ज़रूरत हो तो आप ब्राउन शुगर डालें, और 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर का डालें, साथ में ब्लेंड करें उसको मिक्सी में। बहुत स्वादिष्ट स्मूदी बनती है, वो बच्चों को पिलाएं। इस तरह से आप रोज़ बदल सकते हैं, फ्रूट रोज़ बदल सकते हैं, ड्राई फ्रूट रोज़ बदल सकते हैं। तो ऐसे करके आप बच्चों को रोज़ अलग अलग टेस्ट की स्मूदी बना के पिलाइए। आपको भी बनाने में मज़ा आएगा, रोज़ अलग अलग वेराइटी, और बच्चों को भी पीने में बहुत मज़ा आएगा। अब जब हमने बात की शारीरिक विकास की, हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चों का मानसिक विकास का भी हम ध्यान रखें। पहला पॉइंट जो बच्चों के लिए ध्यान रखने का है, आप उनके मन को, आप उनके दिमाग को हमेशा अपनी पॉजिटिव बातों से मजबूत बना करके रखें, और दिमाग जो है उसमें मेमोरी रहे, दिमाग अच्छी तरह से डेवलप्ड रहे, उनकी आंखें अच्छी तरह से डेवलप्ड रहे। इसलिए हमने बनाया है न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। ये ऐसा कैप्सूल है जो आपको खोल करके, इसको खोलना है आपको, और इसके अंदर इसके अंदर जो है आपको जो कैप्सूल है उसको आपको घुमा करके खोलना है, और उसका जो ऑयल है वो आपको बच्चे के खाने में डालना है। ये आप किसी भी चीज़ में डाल करके दे सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी और वनीला का स्वाद है, जो आप जिस चीज़ में मिलाएंगे उसमें वो फ्लेवर आ जाएगा। तो आप जिस भी चीज़ में डालें उसमें ये ध्यान रखें कि इसका फ्लेवर बदलेगा। ये दूध में, जूस में, खीर में, इस तरह की मीठी चीज़ों में ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो सकता है। तो आप ये डाल करके दें। न्यूट्रीचार्ज DHA कितना देना है ये हमने आपको परसों के सेशन में बताया था, एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। बच्चा जब ऊपरी आहार लेने लगता है, चाहे वो 5 महीने की उम्र हो या 6 महीने की उम्र हो या 4 महीने की उम्र हो, जब से वो ऊपरी आहार लेने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऊपरी आहार की वजह से बच्चा जो है माँ का दूध कम पी रहा है। और जब बच्चा माँ का दूध कम पी रहा है तो उसको, अगर माँ DHA ले भी रही है तो उसको उस DHA का पूरा फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। तो जब ऊपरी, थैंक यू, ये है DHA ट्विस्ट। तो आप इसको ऊपर वाला जो है कैप
रोटेट करेंगे तो इसके अंदर से जो ऑयल निकलेगा उसको आपको खाने में मिलाना है। तो बच्चा जब ऊपरी आहार नहीं लेता है, कम ले रहा, सॉरी ऊपरी आहार ले रहा है और माँ का दूध कम पी रहा है, तो डीएचए कम मिल रहा है, इसलिए उस वक्त उसे डीएचए शुरू करने की उनके आपको शुरू करने की ज़रूरत है 50 mg डीएचए। तो जब ऊपरी आहार लेता है, लेना शुरू किया, वहाँ से लेकर 2 साल तक आपको एक न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्रस्ट का कैप्सूल देना है। जब 2 साल के बाद ब्रेन एक्टिवेशन भी शुरू हो रहा है तो 2 साल से 6 साल तक आपको 2 न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के कैप्सूल्स देने हैं, तोड़ करके आपको खाने में मिला करके देना है। और 6 साल से 12 साल तक आपको, 6 साल से 13 साल तक आपको 3 डीएचए ट्विस्ट के कैप्सूल्स देने हैं। डीएचए ट्विस्ट से लाभ क्या होने वाला है, मैं फिर से यहाँ लाभ परसों तो बताए थे, आज फिर से मैं रिपीट करना चाह रही हूँ ताकि हमें शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का जो पैकेज है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मानसिक विकास में सहायता करता है, बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स का विकास करता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का विकास करता है, बच्चे की देखने की क्षमता को बढ़ाता है। डीएचए जो है वो हमारी जो आँख है उसका, उसकी संरचना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो ये देखने की क्षमता को बढ़ाता है, बच्चे की बोलने की क्षमता को भी बढ़ाता है, लैंग्वेज पावर को भी ये बढ़ाता है। तो ये 100% शाकाहारी उपयोग के लिए सुरक्षित है। आप जो है जब भी किसी को भी, आप अपने बच्चों को भी दे रहे हैं तो भी आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज किड्स दोनों को साथ में ही दीजिए, और अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं तो भी साथ में बताइए, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक विकास का एक कंप्लीट पैकेज है, इसको रोज साथ ही लेना चाहिए। अब हम समझेंगे कि न्यूट्रीचार्ज किड्स वैल्यू फॉर मनी कैसे है। आप यहाँ देख रहे हैं 3 दूसरी ब्रांड्स पर हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रीचार्ज किड्स में सबसे ज़्यादा है, आप देखेंगे प्रोटीन का कंटेंट जो है, प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा है, और बोटैनिकल्स 10 सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किड्स में है जो और किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि न्यूट्रीचार्ज किड्स इज एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी, यानी कॉस्ट और फ़ायदा, कीमत और फ़ायदे का बिल्कुल सही बैलेंस है न्यूट्रीचार्ज किड्स में। तो अब आपके कुछ सवाल हैं जिन पर हम बात करते हैं। पेरेंट्स गिव लेस क्वांटिटी ड्यू टू प्राइस। देखिए ये हमें बैलेंस खुद समझना पड़ेगा कि बच्चों को के लिए जो है आपको खर्चों में कटौती कहाँ करनी है, उनके स्वास्थ्य के लिए कटौती करनी है या उनकी उन चीज़ों के लिए थोड़ी कटौती करनी है जहाँ पर उनका स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई, उनका मानसिक स्वास्थ्य आड़े नहीं आ रहा है। आप एक पिक्चर कम देख सकते हैं, आप एक कपड़ा कम खरीद सकते हैं, मगर आपको स्वास्थ्य पर समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ बेस्ट पॉसिबल उपलब्ध है आपके पास में वो आपको ज़रूर ही देनी चाहिए, और इस मात्रा को आप कम मत कीजिए। अगर आप 1 स्कूप 2 स्कूप दिन में हम कहने देने की बात कर रहे हैं, अगर आपने आधा आधा कर दिया स्कूप को या कम कर दिया, तो इससे आप अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चा बड़ा होकर के आगे की उम्र में बहुत ज़्यादा परेशानी उसको होने वाली है, तो आप उसे पोषण के मामले में बच्चों के लिए पैसों की कटौती बिल्कुल भी ना करें। न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट फॉर 3 ईयर किड्स। जी हाँ, मैंने आपको बताया न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो आपको 1 स्कूप लेना है, और न्यूट्रीचार्ज 2 स्कूप दिन में, 1 स्कूप सुबह, 1 सुबह 1 स्कूप शाम को, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट 3 साल की उम्र में आपको 2 देने हैं, 2 से 6 वर्ष की उम्र के बीच में 2 देने हैं, तो 1 सुबह और 1 शाम को आपको 2 देने हैं। बच्चे न्यूट्रीचार्ज किड्स पीने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जी हाँ, क्योंकि उसे बनाया टेस्टी नहीं जाता है। अगर आप गर्म दूध में सिर्फ घोल देंगे और चीनी मिला देंगे तो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा। जाहिर है जिस चीज़ को बनाने में जितनी कम मेहनत लगी उतना बच्चे को इंटरेस्ट कम आएगा। आपको थोड़ा सा टेस्टी बनाना पड़ेगा। इसका मैंने आपको अभी जवाब दे दिया है कि आप तरह तरह से स्मूदीज बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं, टेस्ट अच्छा लगेगा तो बच्चा ज़रूर पिएगा। योगेश सक्सेना हैज़ बीन
वेरी गुड, ये एक हाईलाइट पॉइंट है. योगेश सक्सेना जो हैं वो अपने बच्चों को पिछले 5 साल से न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिले हैं. इधर भूपिंदर सावरा कहते हैं कि वो न्यूट्रीचार्ज लेने खरीदने के लिए 18,000 रुपये अपने परिवार पर हर महीने खर्चा करते हैं. वाओ भूपिंदर जी, मैं आप को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपका एग्जाम्पल सबको बताना चाहती हूँ. बहुत खूबसूरत बात है कि आप इतना खर्च करते हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य का महत्व आपको अच्छी तरह से पता है. तो अगर हो सके तो अब भूपिंदर जी आप एक वीडियो हमें बना करके भेजें कि आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से आप ये 18,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन अपने घर में घर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, ताकि उस वीडियो के ज़रिए हम और लोगों को भी प्रेरित कर सकें. इसी बात से लेकर के मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छी बात ध्यान आ रही है. हमें जिस तरह से हम अपने घर में बजट रखते हैं, हम खाने पीने का बजट रखते हैं, हम न्यूज़पेपर के का बजट रखते हैं, हम दूध का बजट रखते हैं, हमें अगर ऑफिस रोज़ हम जाते हैं तो हम ट्रैवल का बजट रखते हैं, इस तरह से हम प्लानिंग करके चलते हैं कि हमारा महीने का खर्चा कितना होगा. उसी तरह से हमारा एक हेल्थ बजट होना चाहिए जिसमें आप प्लान करें कि आप कितने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपके घर में आएंगे और कितना आप रेगुलरली उसे लेते रहेंगे. तो एक हेल्थ बजट हर घर में होना चाहिए. भूपिंदर जी थैंक यू, आपने ये शेयर किया, इस वजह से ये आइडिया दिमाग में आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया. रेनू वॉन्ट्स टू नो दैट कैन न्यूट्रीचार्ज बी गिवन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट बी गिवन टू 13-year-old गर्ल. अगर 13 साल की बच्ची को अगर पीरियड शुरू हो गए हैं तो यकीनन न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट दिया जाना चाहिए. और अगर पीरियड शुरू नहीं हुए हैं तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज किड्स पर ही रखिए. हमारा जो ऑफर चल रहा है वो आपको पता ही होगा कि 30 जून तक आप न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो जैसे ही आप खरीदेंगे, एडिशनल 50 BV आपके बच्चे के नाम पर आपको मिल जाने वाला है. इट इज़ अ फैबुलस ऑफर, प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए. अभी तो मैंगो सीजन है, आप अगर न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो के साथ में आम डालकर अगर स्मूदी बनाएंगे तो सुपर टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी चीनी की ज़रूरत नहीं है. तो दूध, एक आम, एक स्कूप न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो का, और वो उसकी स्मूदी बना करके बच्चों को पिलाइए. आपके बच्चों की आँखें भी बहुत अच्छी रहेंगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. जब तक आम का सीज़न है, इनफैक्ट जून में आम का सीज़न भी ख़त्म हो जाता है, 30 जून तक ख़त्म हो जाएगा, तो आप जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो का फ़ायदा उठाइए. ये सीज़न मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है और न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो से आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बन सकती है. अमित गुप्ता बता रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो इज़ वेरी डिलिशियस, इसको मैंगो शेक की तरह बनाकर पिया जा सकता है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा एग्जैक्टली वैसा. थैंक यू अमित जी. एक हाईलाइट और है, कृष्णा गिरी कह रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स का एक एल्बम बनाना चाहिए. मैं समझ नहीं पाई हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. अगर आप ये चाह रहे हैं कि बच्चों की ग्रोथ टेस्टिमोनियल की तरह हम दिखा पाएँ तो बेहतर रहेगा कृष्णा जी आप हमसे एक बार पर्सनली बात कर लें, ताकि आप हम समझ पाएं आपसे आप क्या कहना चाह रहे हैं. अभिलाष जानना चाहते हैं कि 1 साल के बच्चे को क्या दिया जा सकता है. अभिलाष जी, 1 साल का बच्चा है अगर आपका तो यकीनन वो ऊपरी आहार पर है. न्यूट्रीचार्ज किड्स तो आप 1.5 से 2 के बीच में शुरू कीजिएगा, मगर अभी आप न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट उसके लिए इमीडिएटली शुरू कर दीजिए. 1 कैप्सूल रोज़ाना आपको उसके खाने में तोड़ करके मिलाना है और वो उसको देना है. कैन वी गिव न्यूट्रीचार्ज किड्स विद वाटर? यस यू कैन, लेकिन बच्चों को जो है दूध की शक्ति की, दूध के जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, अगर आप ऑर्गेनिक दूध मैनेज कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात, आप बच्चों को दूध में दीजिए. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पानी के साथ दे सकते हैं, मगर उसमें कुछ फ्रूट ज़रूर डालिए ताकि वो टेस्टी हो जाए. मैं ये कहूँगी बच्चों को दूध दिया जाए तो बेहतर है, पानी के साथ भी लिया जा सकता है. 9-year-old child, 47 kg weight, what can we suggest? Okay. 9 साल का बच्चा है तो अगर 47 kg weight है,
बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन में बच्चों को करनी होती है वो तो करनी ही है, शारीरिक श्रम करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए, साथ में जब खिलाएं आप न्यूट्रीचार्ज किड्स और डीएचए ट्विस्ट तो आपको देना ही देना है, उसके साथ में थोड़ा पौष्टिक खाना। उसके लिए खाने पर अभी मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकती इस सेशन में, खाने संबंधित चीज़ों पर हमारा डिस्कशन होता है मॉर्निंग सेशन में, आपकी सेहत आपके हाथ, रोज़ सुबह 6 बजे आप उसमें जुड़ें। हम बहुत जल्दी बच्चों पर भी एक सेशन करने वाले हैं कि बच्चों के लिए क्या डिशेस अच्छी हैं, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, तो बच्चों के लिए हम एक सेशन शुरू करने वाले हैं, आप उसमें जुड़िए। आपको यकीनन हम बता पाएंगे कि यहाँ पर आपको न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ साथ आपको और क्या देना है। बिल्कुल, अगर राइट वेट भी है, यहाँ पे ये सवाल है कि अगर बच्चों का वजन सही है तो भी क्या न्यूट्रीचार्ज किड्स देना है, बिल्कुल देना चाहिए। अगर वजन सही है तो भी न्यूट्रीचार्ज किड्स की ज़रूरत है, क्योंकि वजन सही ही रखना है, बच्चा बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा वजन भी बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको पोषण की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, हमें लगता है हम स्वस्थ हैं तो हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहें, इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो आप स्वस्थ रह नहीं पाएंगे, तो स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत खुशी की बात है आपका बच्चा बिल्कुल सही वज़न का है, सही वज़न का ही रहे और ग्रोथ उसकी प्रॉपर होती रहे, इसलिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज किड्स दोनों दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, आज के सेशन में आपको कुछ बातें ऐसी मिली होंगी जो आप दूसरों को बता करके न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के बारे में आसानी से बात कर सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि आप न्यूट्रीचार्ज किड्स को अलग अलग तरीके से कैसे बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो टेस्टी लगे और बच्चे मांग करके पीना चाहें। इसी के साथ आपसे इजाज़त, कल फिर से एक नए सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी, इसी वक्त इसी समय इसी चैनल पर। जे आर सी एम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।